गाइस ये है मैग्नेटिक हिल, ये लेह से कारगिल जाने में पड़ता है निम्मू से आगे, तो ये है पूरा मैग्नेटिक हिल का। इधर बहुत टूरिस्ट आता है देखने के लिए। ये हमारा मैग्नेटिक हिल, तो बेसिकली इधर गाड़ी ऊपर तक चढ़ा जाता है, कुछ होता नहीं, तो वही खासियत इधर का। ये एडीबी राइड होता है इधर, वो आगे एडीबी राइड जा रहा है और आगे से। तो गाइस अभी हम लोग मैग्नेटिक हिल छोड़ के जा रहे हैं, और इधर एक हमारा थोड़ा हादसा हो गया एक बंदे के साथ, एक राइडर। हमारा निम्मू
डिजिटल विलेज है, छोटा सा है। निमो विलेज इसका नाम है। आया था बहुत ही खूबसूरत ब्रिज, तो हम लोग थोड़ा सा रुक गया था रेस्ट के लिए। तो अभी आप लोग आगे कंटिन्यू करेंगे राइड को हमारा। तो इधर से ऑलमोस्ट अभी 147 किलोमीटर है कारगिल, तो चलते गाइज और अभी आपको आगे मिलते। गाइस हमारा जो पहला पास था आज का फटूला पास, तो आ गया फटूला पास, आ गया फटूला पास। तो गाइस अभी हम लोग आ गए फटूला पास में। ये है लेह और सिकंदर जाने का सबसे हाईएस्ट पास है, ये पीछे है हमारा फटूला पास है। इसका जो एरिया बहुत ही खूबसूरत है, इधर से आपको जा रहा है नीचे श्रीनगर और लेह का जो रूट है इसके अंदर आता है, वो सबसे हाईएस्ट पास है। तो इतना हवा चल रहा है इधर, बात करने में कुछ नहीं मिल रहा, इतना बात करेगा तो आवाज नहीं आएगा। तो चलते गाइस नीचे और आपको रास्ते में मिलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग फटूला पास से नीचे आ गया ऑलमोस्ट। अभी इधर से कारगिल ऑलमोस्ट 80 किमी, कारगिल 75 किमी इधर से। तो गाइस चलते आगे। गाइस इधर एक खंगड़ल नाम पर एक जगह है, तो इधर एंटीजन टेस्ट होता है। तो हम लोग हो गया, हम लोग अभी जा रहे हैं आगे, उधर कूपन देता है वो। इधर देना पड़ता है। तो गाइस अभी हम लोग जे एंड के में एंटर कर गया और इधर खड़गिल नाम एक जगह था, तो उधर एंटीजन टेस्ट होता है। तो हमारा एंटीजन टेस्ट नहीं हुआ, पता नहीं हम लोग का जो टीम लीडर था वो कर लिया, पता नहीं क्या कर लिया। तो हमारा गाड़ी नंबर लिखा के कितना बंदा लिखा के हम लोग आगे तक आ गया। तो अभी चलते आगे।
गाइस अभी हम लोग ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर क्रॉस कर लिया और आप पास बचाया और 50 किमी कारगिल पहुंचने में। तो अभी शाम के 6:30 बज गया, अभी बहुत जल्दी शाम होने वाला है। तो गाइस देखते हैं कितना देर में हम लोग पहुँचते हैं कारगिल। अभी से तो शाम होना शुरू हो गया, अंधेरा हो गया थोड़ा सा, और 50 किमी बाकी है, लगभग आधा घंटा पौने घंटा लगेगा सर ऐसे रास्ता होगा तो, एक घंटा लगेगा। फिर चलते हैं और आगे देखते हैं कितना टाइम में पहुँच सकते हम लोग। तो गाइस अभी हम लोग वाखा नाम पर एक जगह था, कारगिल जाने में पड़ता है, तो उसी जगह पे हम लोग रुका था थोड़ा चाय वाय पीने के लिए, और हम लोग चाय वाय पी लिया। तो अभी चलते हैं इधर से कारगिल सीधा, इधर से और 40 किलोमीटर बाकी है कारगिल। तो चलते हैं गाइस, फिर कारगिल में मिलते हैं। तो गाइस ये है हमारा कारगिल टाउन नीचे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है शाम को टाइम। तो गाइस अभी हम लोग को होटल ढूंढना है, मेरे को तो ढूंढना है होटल। तो हमारा होटल ढूंढ के फिर आप लोग को होटल में मिलते हैं। अभी तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इधर से लाइट नीचे शाम के टाइम पूरा कारगिल। गाइस चलते हैं और एकदम होटल में रुकते हैं। अभी 7:30 बज चुका है और हम लोग कारगिल का जो हमारा होटल पीसी पैलेस था तो उसमें अभी हम लोग चेक इन कर लिया। बहुत ही खूबसूरत होटल है इनका। तो अभी शाम हो चुके, रात हो चुके। तो हमारा आज का जो राइड था 220 किलोमीटर ले टू कारगिल, बहुत ही अच्छा था, रास्ता बहुत ही बढ़िया था। तो हम लोग अभी फ्रेश वगैरह होकर डिनर करेंगे। तो कल का जो हमारा राइड होगा कारगिल से सोनमार्ग तक, तो फिर कल मिलते हैं हमारा नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट राइड में। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।